नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा दोस्त मनु मोड़ ते पंजाब जीके दी है अपनी सिक्स क्लास है। इस तो पहले मैं तुम्हें पांच क्लासेस प्रोवाइड करवा दी है। जे नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं तुम्हें उन्होंने क्लासेस के लिंक दे देंगे, जाके विजिट जरूर कर लियो। तो यह क्लास है दोस्तों, तुम पंजाब का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे एक नंबर का क्वेश्चन जरूर तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह इंपोर्टेंस डे है। करंट अफेयर में यह क्वेश्चन आ जाते हैं। यह इंपोर्टेंट डे वह ने जेडे कि पंजाब सरकार एंड अपने भगवंत मान जी ने अपनी ऑफिशियली पेजस उपर शेयर किए हुए हैं, तो करके करंट के अकॉर्डिंग देखिए तो काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। इस करके ध्यान नाल देख लो, समझ लो एंड राइट डाउन जरूर कर लो। तो सब तो पहला क्वेश्चन नंबर एक की गल करिए, करतार सिंह सराभा का जन्मदिन कदों मनाया गया से अपने पंजाब के ऑफिशियल पेजस एंड साइट्स के दौरान जोड़ा करतार सिंह सराभा का जन्मदिन सैलीब्रेट किया गया से। ऑप्शन नीचे ने ऑप्शन नंबर ए 24 मई, ऑप्शन नंबर बी 24 जून, ऑप्शन नंबर सी 24 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई। ठीक है, जे थोनों इस सवाल का जवाब पता है तो वीडियो में कमेंट कर दौ। तो बाकी करतार सिंह सराभे का जो जन्मदिन कदों सैलीब्रेट किया गया से 2022, 24 मई 2022 सैलीब्रेट किया गया से। यह जी चीज़ है करतार सिंह सराभे बारे भगवंत मान ने ऑफिशियली अपने फेसबुक अकाउंट से भी शेयर किया है कि करतार सिंह सराभे का जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों एक गल होर, जो तुम हाले तक साडा वट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिता है, उत्थे जाके वट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन जरूर कर लो। एंड हुण क्वेश्चन नंबर दो की गल करिए, गुरु हरगोबिंद सिंह जी की गुरुगद्दी दिवस कदों सैलीब्रेट किया गया से। तो ऑप्शन थोड़े को ऑप्शन नंबर ए 24 जून, ऑप्शन नंबर बी 14 जून, ऑप्शन नंबर सी 23 जून, सॉरी 23 मई, ऑप्शन नंबर डी 25 मई। ओके दोस्तों, आई नो ये थोड़े जे डेट याद करनी औखी होंगे है, बट तुसी किसी भी अपने रिलेटिव के नाम नाल उसकी डेट ऑफ बर्थ नाल शेयर करके मतलब रिलेट करके याद रख सकते हो। जिवें एग्जाम्पल के तौर पर कोई गोविंद हरगोबिंद सिंह जी के आप गोविंद यह नाम अलग कर लें, इस नाम का मेरा कोई यार दोस्त है उसका बर्थ डेट नाल मैं रिलेट कर लूँगा, जिमें कि उसकी बर्थ डेट मैं याद है भी 23 तरीक की है। ठीक है, तो इस तरह ईजली मैं रिलेट हो जाएगा कि 23 मई में जी गुरु गोबिंद सॉरी गुरु हरगोबिंद सिंह जी की गुरुगद्दी दिवस सैलीब्रेट किया गया से। इस तरह माइंड भी सैट हो जाते हैं तो ईजली अपन एग्जाम में याद आ जाते हैं कि इसका राइट आंसर की होगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की गल करिए, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया का जन्म दिवस कदों सैलीब्रेट किया गया से। तो ऑप्शन नंबर ए 4 मई 1781, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ बारे पूछा गया, तो यह सैलीब्रेट कि मंथ में किया गया से। तो जे एग्जाम डेट ऑफ बर्थ आ जाए तो आप की सिलेक्ट करना है, 3 मई 1718 ईस्वी सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया का जोड़ा जन्म दिवस मनाया जाता है, मतलब पैदा हुई सी 1718 ईस्वी, तो हर साल 3 मई नूं इह सैलीब्रेट किया जाता है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, देखो तुसी वीडियो नूं देखदे तां हो, वीडियो नूं लाइक नहीं करते तो कमेंट नहीं करते। देखो वीडियो चंगी लगे तो लाइक भी कर दिया करो, जे नहीं चंगी लगे तो वीडियो में कमेंट कर दिया करो कि यह गल सानूं समझ च नहीं आई, इस तरह की वीडियो ना प्रोवाइड कराओ। हुण जे तुसी लाइक तो कमेंट करोगे तो ही मैं नैक्सट वीडियो तुहानूं प्रोवाइड करवा सकांगा, बिकॉज मैनू भी चाहिए है कि हाँ रिस्पोंस वधिया आ रहा है, बच्चों की हैल्प हो रही है, इस करके अंदरों मोटिवेट हुंदा कि आपां होर वीडियो प्रोवाइड करवाइए ताकि काफ़ी बच्चों की हेल्प हो सके। हुण तुसी वीडियो देख लैंदे हो, लाइक करना जरूरी नहीं है, कमेंट करना जरूरी नहीं है, एवें तां देखो गल बनदी नहीं है ना, मैं खुद ही डिमोटिवेट हो जाएगा कि कोई रिस्पोंस तो आउंदा नहीं, छड्डो की वीडियो बनाउणी है। तो करके प्लीज़ लाइक कमेंट एंड हो सके तो शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड सर्कल जिन्हों इस चीज़ की जरूरत है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की गल करिए, बुद्ध पूर्णिमा डैश नूं बनाया गया सी, बुद्ध पूर्णिमा कदों बनाया गया सी, 16 मई में सैलीब्रेट किया जाता, हर साल यह 16 मई में सैलीब्रेट किया जाता है। याद किवें करूँगे इसमें, किसी भी आप चीज़ नाल रिलेट करके आप इसमें याद कर सकते हैं, जिमें पूर्णिमा किसी लड़की का नाम है, हूँ उसकी डेट ऑफ बर्थ नाल आप रिलेट कर लिए, उसका कोई फेवरेट डे होगा ज कुछ भी होगा, इस तरह आप ईजली रिलेट हो जाते हैं। इस बाद क्वेश्चन नंबर 5 की गल करिए, छोटा घल्लूघारा शहीद सलाम दिवस कदों मनाया जाता, मतलब कि छोटे घल्लूघारे के दौरान जिन्हें भी लोग शहीद हुए थे उन्हां वास्ते एक सैलीब्रेट किया जाता है दिवस, वह कदों किया जाता दोस्तों, वह 1746 ईस्वी किया जाता। एंड नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, शहीद सुखदेव का जन्मदिन कदों सैलीब्रेट किया जाता है, मतलब कि जो भगत सिंह से राजगुरु सुखदेव से उन्होंने सुखदेव सिंह के जन्मदिन बारे पूछा गया है, तो यह भी ऑफिशियली वैबसाइट सॉरी ऑफिशियली पेज पर
ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀ ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 15 ਮਈ 1907 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ 25 ਮਈ, ਹਰ ਸਾਲ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਓ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ, 14 ਮਈ, ਹਰ ਸਾਲ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਡੇ ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲੰਟਾਈਨ ਡੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ ਮਦਰ ਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਦਰ ਡੇ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਮਈ 1861 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਦੋਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਮੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਈ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਸੂਰਾਮ ਜਯੰਤੀ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? 2 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਲੇਬਰ ਡੇ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਬਰਸੀ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਗਈ? ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਾਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ 15 ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਐਂਡ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ।